नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद MS में। जैसा कि आप सभी को पता है, साइंस क्लासेज चल रही थी और उसमें अगली क्लास आती है पौधों के प्रकार। नेक्स्ट चैप्टर है पौधों के प्रकार। हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए पीछे भी, अब 14 चैप्टर आता है पौधों के प्रकार। ये क्लास रिट और थर्ड ग्रेड एग्जाम दोनों के लिए उपयोगी है। साइंस की क्लास है लेवल 2 के लिए, RBC आधारित क्लास है जिसमें NCERT के फैक्ट शामिल किए गए हैं और नोट्स के माध्यम से है। जिन नोट्स को मैंने पढ़ाता वही नोट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर है 9th नंबर, क्लास 6th में, और ये चैप्टर है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे, सर आप क्रम से चैप्टर नहीं करा रहे। तो मैं क्रम से नहीं करा, सिलेबस के अनुसार करा रहा हूँ। आपको जो जो चैप्टर है सिलेबस में आपके, वो सभी करा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चैप्टर होंगे एक्स्ट्रा, तो वो आपको बाद में करवा दूंगा। पर चैप्टर का नाम है पौधों के प्रकार एवं भाग। आज हम पढ़ेंगे पौधों के प्रकार। जैसा कि आप थंबनेल में देखे था आपने कि पौधों के प्रकार, तो आज केवल पौधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम पौधों के भाग पढ़ेंगे। और इन दोनों की जो PDF है वो एक साथ आपको मर्ज रूप में, दोनों की PDF एक साथ उपलब्ध कराऊंगा दोनों वीडियो की। और वो PDF है वो टारगेट विद MS नामक यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास। सॉरी, पौधों के प्रकार। पौधों के प्रकार कौन कौन से हैं, पौधे किस प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर पौधों को किन किन भागों में वर्गीकरण किया गया इस चैप्टर में, इसके बारे में है। इसके अलावा पौधों के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, इनके बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। पहले है आकार के आधार पर, मतलब हम आकार के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में, शाख, सूप और वृक्ष। ये 3 भाग होते हैं आकार के आधार पर। पहला है शाख। शाख को मतलब देखो, हर्ब्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? हर्ब्स। शाख, शाख कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, लगभग 1 मीटर से भी कम होते हैं, मतलब कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, छोटे। आकार के आधार पर है इसका, मतलब ऊंचाई से लेना देना है इसका। तो 1 मीटर से कम ऊंचाई के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। इसके तने का रंग भी हरा होता है और ये तने प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जिन तने हरे रंग के तने होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इनके तने का रंग कैसा होता है? हरा होता है और ये अत्यंत कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। जैसे तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, तुलसी का पौधा आपके घरों में होगा। ये कोमल होते हैं और आसानी से मोड़ा जा सकता है। तने का रंग भी हरा होता है और कम ऊंचाई के होते हैं। ये होते हैं शाख। हल्दी देखा होगी, गेहूं का पौधा देखा होगा, चावल का देखा होगा, मिर्च का देखा होगा, टमाटर का देखा होगा, ये पौधे हैं वो क्या है? शाख के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, तुलसी, हल्दी, गेहूँ, चावल, मिर्च, टमाटर आदि पौधे हैं वो शाख कहलाते हैं। दूसरा आता है सूप या झाड़ी, जिसे श्रब बोलते हैं। सूप या झाड़ी, सूप छोटे व मध्यम आकार के पौधे, काष्ठीय पौधे होते हैं, लकड़ी वाले पौधे होते हैं, छोटे होते हैं और मध्यम आकार। उसमें काष्ठ लकड़ी नहीं पाई जाती, काष्ठीय पौधे नहीं होते वो, लेकिन ये मध्यम आकार के होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन मध्यम आकार के होते हैं। वृक्ष से छोटे होते हैं जबकि शाख से बड़े होते हैं, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है, मतलब 6 मीटर से कम ऊंचाई होती है इनकी। तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है। इनमें मुख्य तने के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती है और तना प्राय कठोर होता है। इनका तना कठोर होता है और निचले भाग से, तने के निचले भाग से ही कई शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब ये झाड़ी का रूप ले लेती है। जैसे आपने झाड़ी में देखा होगा, नीचे से कई शाखाएं निकलने लग जाती है, तो इसमें भी क्या है, तने के नीचे से कई शाखाएं निकलती है, वो कहलाते हैं सूप या झाड़ी। जैसे आपने मेहंदी का फूल देखा होगा, मेहंदी का फूल क्या, मेहंदी का पौधा देखा होगा, मेहंदी का पौधा नहीं, ऐसे घेर घुमेर पौधा होता है, सूप झाड़ी की तरफ होता है। गुलाब का आपने देखा होगा, नीचे से ही निकलने शुरू हो जाते हैं। आपने बेर का, बेर को मतलब झाड़ी, झाड़ी आपने देखी होगी, जो हम मारवाड़ी में हम झाड़ी बोलते हैं, बेर का जो पौधा होता है उसको झाड़ी बोलते हैं। और केर देखा होगा आपने, केर का पौधा भी किस में आएगा? सूप या झाड़ी के अंतर्गत आएगा। देखो, केर का पौधा बड़ा होता है, 6 मीटर से अधिक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसको किसके अंतर्गत गिनना है? झाड़ी के अंतर्गत गिनना है। नेक्स्ट आता है वृक्ष या पेड़। तीसरा प्रकार है वृक्ष या पेड़, जिसे ट्री बोलते हैं। कुछ पौधे बहुत लंबे और कठोर तने वाले एवं छालयुक्त होते हैं। कठोर होते हैं, लंबे तने वाले होते हैं और छालयुक्त होते हैं। इन तीनों से कई शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्सों से निकलती है। जैसे आपने देखा होगा, नीम का पेड़ देखा होगा, तो इसकी शाखाएं हैं वो ऊपरी हिस्से से निकलती है, नीचे के हिस्से से नहीं निकलती है। जैसे आम है, नीम है, बरगद है, पीपल है, ये सब क्या कहलाते हैं? वृक्ष या पेड़। नीचे लिखा हुआ, मुख्य पौधे या फसलों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं जो मुख्य पौधे की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार। जैसे आपने देखा होगा, हम निराई गुड़ाई करते हैं उस समय खरपतवार को उठाते हैं, क्योंकि ये मुख्य पौधे या फसलों के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे छोड़ते उग जाते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती,
वो उग जाते हैं। उन मुख्य मुख्य पौधे के लिए ये हानिकारक होते हैं क्योंकि इनके पोषक तत्वों को ये ग्रहण कर लेते हैं, इनको बोलते हैं खरपतवार। कल मैंने एक एग्जाम्पल बताया था एस्परजिलस, जो प्रयोगशाला की खरपतवार के नाम से जाना जाता है एस्परजिलस, उसका भी आप नाम हमें याद रखना। इसके बाद आता है दूसरा आधार क्या है, आयु के आधार पर पौधों को तीन भागों में बांटा गया। आयु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, एक वर्षी, द्विवर्षी और बहुवर्षी। इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल एक वर्ष अथवा एक ऋतु का होता है उन्हें वार्षिक पौधे कहते हैं, मतलब एक वर्षीय पौधे कहते हैं या वार्षिक पौधे कहते हैं, मतलब जिनका जीवन काल कितना होता है एक वर्ष का या एक ऋतु का होता है, कितने वर्ष का, एक वर्ष का या एक ऋतु का। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों, आपने देखा होगा सरसों को हम एक ऋतु में ही बोते हैं और एक अंत तक काट लेते हैं। ज्वार देखा होगा, मक्का, बाजरा, इनको देखा होगा, ये एक वर्षीय पौधे हैं। द्विवर्षीय पौधों में कौन कौन से आते हैं, तो वे पौधे जिनका जीवनकाल सामान्यतः दो वर्ष का होता है या दो ऋतु तक चलता है, लंबा समय तक चलता है, मतलब एक ऋतु से ज़्यादा समय लगता है, वो द्विवर्षीय। आप देखो इस लैंग्वेज से पढ़ोगे तो आपको कुछ कन्फ्यूज हो सकती है। द्विवर्षीय पौधों को मतलब समझ लो आपको दो ऋतु जितना समय लगता है, जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर ये द्विवर्षीय पौधे नहीं होते, तो आपने देखा होगा प्याज को आप पहले पौध करते हैं तो आप उसके पौध जल्दी ही कर लेते हैं, उसके बाद आप खरीफ की फसल के टाइम में उनके पौध कर लेते हैं, फिर आप रबी की फसल के समय प्याज को बोते हैं, तो इसमें मतलब दो ऋतु का समय लग जाता है, मतलब दो ऋतु आ जाती है। इस प्रकार जैसे प्याज है, पत्ता गोभी है, गाजर है, ये द्विवर्षीय पौधे हैं। और आपको भी याद रखना है बस प्याज, पत्ता गोभी जितनी सब्जियाँ हैं ये सब द्विवर्षीय पौधों के अंतर्गत आती है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इसमें। द्विवर्षीय पौधे हैं। बहुवर्षीय पौधे, वे पौधे जो दो वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, इनमें काष्ठ का निर्माण होता है, काष्ठ का मतलब लकड़ी निकलती है इनसे। ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म में वसंत की ऋतु में पुष्पित होते हैं, बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। और ये सामान्यतः बड़े व छायादार वृक्ष होते हैं, जैसे नीम है, चीड़ है, बरगद है, आदि है, बहुवर्षीय, मतलब बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं ये बहुवर्षीय पौधे। मतलब आकार के आधार पर तीन टाइप, साग, सूप जिसे झाड़ी भी कहते हैं, और वृक्ष। आयु के आधार पर एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। इसके बाद हम पढ़ेंगे आरोहण के आधार पर, आरोहण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो आरोहण के आधार पर भी दो प्रकार के माने गए हैं। कितने प्रकार के, दो टाइप्स। आरोहण के आधार पर आरोही पौधे और वल्धरी पौधे, ये दो प्रकार के आरोहण के। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, जैसे आरोहण होता है पर्वतारोहण, पर्वतारोहण का मतलब पर्वत पर चढ़ना। तो आरोहण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, आरोही पौधे और वल्धरी पौधे। आरोही का मतलब कलम पर, आरोही वे पौधे होते हैं जिनमें पौधे के ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे टेंड्रिल बोलते हैं, प्रतान बोलते हैं, और ये प्रतान है वो प्रणवंश से बन सकते हैं, पत्ती से बन सकते हैं, तने का एक रूपांतरित स्वरूप है। मतलब इनमें टेंड्रिल पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रतान, और इन प्रतान के माध्यम से धागेनुमा संरचनाएं होती है। जैसे आपने इसकी तुरे की बेल देखी होगी, उसमें धागेनुमा संरचना स्प्रिंग के टाइप से बन जाती है, और वो किसी लकड़ी या किसी से लिपटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। ये पौधे क्या निकलते हैं, आरोही पौधे। इसमें देखो मटर का आपने पौधे देखा होगा, ककड़ी का देखा होगा, करेला का देखा होगा, तुरई का देखा होगा, मनी प्लांट का देखा होगा, ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं आरोहण के आधार। और जो मनी प्लांट में जो है जो प्रतान पाए जाते हैं वो जड़ प्रतान होते हैं, ये अभी आपको ध्यान में रखना। देखो किसी में प्रणवंत का बनता है तो किसी में पत्ती का, तने का, लेकिन मनी प्लांट में जो प्रणवंत होता है वो जो मनी प्लांट जो जिसके सहारे ये बढ़ती है वो क्या है, जड़ प्रतान है, उस जड़ के सहारे बढ़ती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एग्जांपल किसके हैं, आरोहण के पौधे के, मटर, ककड़ी, करेला और तुरई। इसके बाद वल्धरी पौधे जिसे विसर्पी लता भी कहते हैं, वल्धरी पौधे जिसे विसर्पी लता भी कहते हैं, ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत क्या होता है, कोमल होता है। आपको बताया तना अगर कोमल है तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा, तो ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, जमीन पर ही रेंगकर क्षैतिज दिशा में। वल्धरी का मतलब विसर्पी, सर्पाकार, मतलब विसर्पी का मतलब सरककर गति करते हैं। जैसे आपने विसर्पी घर्षण पढ़ा होगा, तो विसर्पी का मतलब होता है सरककर गति करते हैं, जमीन पर रेंगकर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, एवं काफ़ी जगह गिरते हैं। आरोही पौधे के समान प्रतान नहीं पाए जाते। जैसे आपने देखा होगा तरबूज, तरबूज के पौधे में कद्दू, खरबूजा, ये सब क्या है, तरबूज कद्दू और खरबूजा, ये तीनों उदाहरण किसके हैं, वल्धरी पौधे के हैं, विसर्पी लता के उदाहरण। इसके बाद हम पढ़ते हैं आवास स्थल के आधार पर, और इसमें से अब की बार रेट 2021 में प्रश्न पूछा गया था। इसके आधार पर भी दो टाइप के पौधे हैं, जलीय पौधे और स्थलीय पौधे। आवास स्थलों के आधार पर दो प्रकार के पौधे होते हैं, जलीय पौधे और स्थलीय पौधे। जलीय पौधे में कौन कौन से, देखो ऐसे पौधे जो जलीय आवासों जैसे नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र आदि में पाए जाते हैं, जलीय पौधे कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में खिलता है,
लेकिन ये जलीय पौधे के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा वेलसिनेरिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी, जी आइकोनिया भी कहते हैं, ये सभी पौधे क्या है, जलीय पौधे के उदाहरण है। अब इन पौधों को जलोद्भिद हाइड्रोफाइट प्लांट भी कहते हैं, जलोद्भिद पादप भी कहा जाता है, जलीय पौधों को जलोद्भिद पादप भी कहा जाता है। इसमें उदाहरण है कमल, वेलसिनेरिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, जलकुंभी। इन पादपों में जड़ें हैं वो अल्प विकसित होती हैं, मतलब जड़ें इतनी विकसित नहीं होती, कम विकसित होती जड़ें। दूसरी, तने में उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए वायुकोष पाए जाते हैं जो इन्हें जल में तैरने में मदद करते हैं, मतलब तने में वायुकोष पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये जल में तैर पाते हैं। इन पादपों की पत्तियां हैं वो कट्टी फट्टी होती है और रिब्बन के समान होती है, कैसे होती है, कट्टी फट्टी व रिब्बन के समान पाई जाती है इनकी पत्तियाँ, जो जलीय आवास के पौधे हैं इनकी पत्तियाँ हैं कट्टी फट्टी और रिब्बन के समान होती हैं। जल में स्थिति के आधार पर इन पादपों को वापस तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, मतलब जो जलीय पादप है इनको तीन भागों में बांटा गया वापस। कौन कौन से है, पहला है स्थल पर तैरने वाले जलीय पादप, जो स्थल पर सॉरी सतह पर, जो जल की स्थल नहीं, जो जल की सतह है उस पर तैरते रहते हैं ऐसे जलीय पादप, जिसे बोलते हैं जलकुंभी है, हाइड्रिला है इसका एग्जाम्पल है, सॉरी जलकुंभी जिसे आइकोनिया भी कहते हैं, ये क्या है, सतह पर तैरने वाले जलीय पादप का उदाहरण है। जलकुंभी जिसे आइकोनिया भी कहते हैं, ये सतह पर तैरने वाले जलीय पादप का उदाहरण है। दूसरा है जल निमग्न, जल में मतलब डूबा हुआ, जल में डूबे हुए पादप इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिला। और एक होता है उभयचारी जिसे बोलते हैं वेलसिनेरिया, ये भी वेलसिनेरिया है, ये जल की सतह पर भी तैरता है और जल में डूबा हुआ भी रहता है, तो इसको इसका उदाहरण है वेलसिनेरिया। तीन टाइप के हो गए, एक तो सतह पर तैरने वाले, एक सतह के अंदर डूबने वाले और एक उभयचारी। तो जलकुंभी है वो सतह पर तैरता है, जलकुंभी सतह पर तैरता है। जल निमग्न में हाइड्रिला, आपको ध्यान में रखना हाइड्रिला किसमें है, जल में डूबा हुआ है, और उभयचारी कौन सा, वेलसिनेरिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप है स्थली पौधे, कौन सा है, स्थली पौधे टेरिस्ट्रियल प्लांट्स, जमीन पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को स्थली पौधे कहते हैं। इनके भी तीन टाइप है, समोद्भिद शीत आवास के और शुष्क आवास के। देखो समोद्भिद पौधों में आते हैं नीम, बांस, ये क्या कहलाते हैं, समोद्भिद पौधे कहलाते हैं, जो मतलब हमेशा एक समान ही रहते हैं, नीम और बांस है ये समोद्भिद पौधे हैं। शीत आवास के पौधे जो शीत आवास में पाए जाते हैं, जैसे सोल्डेनेला और लाइकेन और मोस, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, सोल्डेनेला भी बोलते हैं कुछ सोल्डेनेला बोलते हैं, आपकी बार 2021 में आपने देखा होगा ये एग्जांपल, सोल्डेनेला किस आवास का पादप है या शीत आवास का पादप कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न था और इसमें सोल्डेनेला एग्जांपल सही माना गया था। तो ये शीत आवास के जो पौधे हैं उनमें सोल्डेनेला, लाइकेन और मास, इसको कुछ सोल्डेनेला भी कहते हैं, लेकिन इसको सोल्डेनेला आपको ध्यान रखना है, सोल्डेनेला, लाइकेन और मास है ये शीत आवास के पौधे। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुष्क आवास के पौधे जिन्हें मरुद्भिद पौधे कहते हैं, जीरोफाइट बोलते हैं, खेजड़ी, डंडा थोर और नागफणी। खेजड़ी है वो शुष्क आवास का पौधा है, डंडा थोर है, नागफणी है, ये शुष्क आवास के पौधे हैं। आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अब की बार बीच में प्रश्न पूछा गया था। तो सोल्डेनेला, लाइकेन और मोस ये दोनों तीनों क्या है, शीत आवास के पौधे हैं। नीम बांस ये समोद्भिद है और शुष्क आवास के जो मरुद्भिद पौधे हैं वो होते हैं खेजड़ी, डंडा थोर, नागफणी, ये मरुद्भिद पौधे हैं, ये आपको ध्यान रखने का। इसके बाद है पुष्पन के आधार पर, मतलब फूलों के आधार पर दो टाइप, फूलों के आधार पर भी दो टाइप। हमने पहले पढ़ा आकार के आधार पर, फिर पढ़ा आयु के आधार पर, फिर पढ़ा आवास के आधार पर, अब पढ़ रहे हैं पुष्पन के आधार पर। एक तो होते हैं पुष्पी पौधे, एक होते हैं अपुष्पी पौधे। ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, पुष्पी पौधे जैसे गुलाब का आपने देखा होगा पुष्प पाया जाता है, गुड़हल में पाया जाता है, गुलमोहर, अमलतास, इनमें क्या है, पुष्प पाए जाते हैं। जबकि अपुष्पी पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते, जैसे फर्ण, मास, इनमें क्या है, फर्ण, मोस, इनमें क्या है, पुष्प नहीं पाए जाते, तो ये अपुष्पी पौधे कहलाते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाले फैक्ट है। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, तो वो है उल्फिया। कौन सा है, उल्फिया। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है या पुष्पी पौधा कौन सा है, वो है उल्फिया। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, एक तो लंबाई में होता है, एक मोटाई में, तो मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है वो है जर्मन सेरेमन। कौन सा है, जर्मन सेरेमन, ये मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है जिसे सिकोया डेंडोन गिगेंटियम भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम है सिकोया डेंडोन गिगेंटियम। लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है, तो लंबाई में सबसे बड़ा पेड़ है वो यूकेलिप्टिस है। क्या है, यूकेलिप्टिस, जिसे क्या बोलते हैं, हम सफेदा कहते हैं, हमारी भाषा में सफेदा बोलते हैं जिसे, जो लंबा पेड़ होता है, तो सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, यूकेलिप्टिस, जिसे सफेदा भी कहते हैं। सबसे बड़ा पुष्पी पौधा कौन सा, देखो सबसे छोटा पुष्पी पौधा उल्फिया, सबसे बड़ा पुष्पी पौधा वो है रेप्लिसिया। सबसे छोटा पुष्पी पौधा उल्फिया और सबसे बड़ा पुष्पी पौधा है वो रेप्लिसिया।
सबसे बड़ा बीज लोडोइसिया और सबसे छोटा बीज ऑर्किड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोइसिया। और सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड। और लिमनेसी कुल का सबसे छोटा पुष्पीय पादप है वो डकवीड। ये डकवीड अगला चैप्टर में भी आएगा आपके। तो लिमनेसी कुल का सबसे छोटा पुष्पीय पादप है वो बोलते हैं डकवीड। लिमनेसी कुल का सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है? डकवीड। तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद आते हैं पौधों के भाग जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।